Fatal flaws of drivers and third party. बोलो भाई, अब क्या सिखाने वाले हो? क्या बात है, आज तो तू मस्त मूड में आया है। हाँ भाई, अभी कोई सब्जेक्ट अपने को नहीं डरा सकता। अबे टर्किट, अभी अपुन बात करेंगे फैटल फ्लोस ऑफ ड्राइवर्स एंड थर्ड पार्टी के बारे में। भाई इतना लंबा नाम, अब उनको तो फिर से चक्कर आ गए। चल टर्किट, देर हो रही है। लगता है भाई शौच गया है और ये लाउड स्पीकर तब से भौंक रहा है। ड्राइविंग तो मुझे भी आती है, इससे अच्छा है मैं ही गाड़ी लगा देता हूँ। ए मामू, क्या कर रहा है तू? हाँ अभी भी अक्ल नहीं आई क्या तुझे? अरे भाई, पर ये कब से भौंक रहा है तो मैंने सोचा के देख, माना कि तेरे को गाड़ी चलाना आता है पर ये काम तेरा नहीं है। हर गाड़ी एक जैसी नहीं होती और मामू, ये गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई तो बहुत लोचा हो जाएगा क्या? चल बैठ। भाई ये क्या बंसाली की फिल्मों के जैसे चला रहे हो, जरा धूम के जॉन बनो, ओवरटेक करो। अबे तेरे को इतना समझाया पर तू मामू का मामू ही रहेगा क्या? स्कूल या बाजार के पास गाड़ी कभी भी तेज नहीं चलाने का क्या? अब बेट टर्किट, जब हम तेज चलाते हैं तो आजू बाजू की चीजों पे ध्यान नहीं रहता और जब हम धीमे चलाते हैं तो हर जगह ध्यान रख सकते हैं क्या? और हमें आगे वाले वाहन से नियत दूरी रखनी चाहिए जिससे कि इमरजेंसी के समय हमारे पास इतना समय हो कि हम ब्रेक लगा सके और आगे जाने वाले वाहन से टकराने से पहले अपनी गाड़ी रुक जाए।
और बारिश के समय पे रास्ते पे फिसलन होने के कारण स्लाइडिंग भी हो सकता है, इसलिए मामू धीरे ही चलाने का क्या, सुनाए ना दुर्घटना से देर भली। और हर एक मोड़ पे गाड़ी धीरे ही चलानी चाहिए क्योंकि मोड़ पे गाड़ी काबू से बाहर हो सकती है। अब बेट टर्किट, किसी भी जंक्शन पे टर्न लेते समय ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं कोई है तो नहीं और कोई गाड़ी ठुक न जाए। अरे भाई देखो क्या लड़की जा रही है, इसको भाभी बना लो भाई। अबे मामू गाड़ी चलाते समय इधर उधर नजरें नहीं दौड़ाने का क्या, इसी चक्कर में लोगों की गाड़ियां ठुक जाती है। अरे भाई तुम बहरे हो गए हो क्या, ये फोन कब से कान खराब कर रहा है। अबे तू अंधा हो गया है क्या, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते समय कभी भी फोन पे बात नहीं करनी चाहिए क्या। हाँ तो भाई हैंड्स फ्री लगा लो ना। अबे मामू तू फोन पे बात करेगा तो तेरा आधा ध्यान तो फोन में रहेगा, बोले तो आराम से तेरा कंट्रोल छूट जाएगा। और सुन रात को पहले तो अपनी लाइट नीचे की तरफ रखनी चाहिए और उस रोशनी के अंदाज से ही गाड़ी धीमी गति पे चलानी चाहिए क्या। पर ऐसा क्यों भाई। अबे साइंस नहीं पढ़ा क्या। भाई स्कूल में तो मैं ज्यादा टाइम क्लास के बाहर ही रहता था। क्या समझा बेट टर्किट। भाई अपुन समझ गया कि गाड़ी चलाना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और ड्राइवर लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के गाड़ी चलानी चाहिए वरना किसी की भी वाट लग सकती है। एकदम सही बिड़ू।